हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन 59, 60 और 61 के जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने कोई 45 के आसपास वीडियो अपलोड कर दी हैं जिनमें हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस डिस्कस किए हैं, जो कि कैलाश चंद्र की मैगज़ीन है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनको डिस्कस किया है। तो उनकी जो पूरी प्लेलिस्ट है, उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड को लिखेंगे एबॉलिश्ड इस तरह से। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी इस तरह से। नेक्स्ट है एक्सप्रोप्रिएटेड, एक्सप्रोप्रिएटेड इसको हम हाफ करेंगे। हाफ के लिए आप ये हाइफ़न लगा सकते हैं। जस्टिसिएबल, तो ये है हमारा जस्टिसिएबल इस तरह से। ये हमारा है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल को लिखने का एक तरीका और है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं जस्टिसिएबल। दोनों में से आप कोई भी जो है वो तरीका यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा केयरफुल कंसिड्रेशन। तो ये हमारा केयरफुल कंसिड्रेशन। राउजिंग, ये हमारा राउजिंग इस तरह से राउजिंग आएगा। अनफेयरनेस, अनफेयरनेस। प्रैक्टिसेस, ये हमारा प्रैक्टिस, ये हमारा आएगा प्रैक्टिसेस। हैव आल्सो बीन, हैव आल्सो और ये बीन, एन से बीन डिनोट होगा। इन दिस बिहाफ, इन दिस बिहाफ। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल पर्पसेस, तो ये हमारा कमर्शियल पर्पसेस। कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड ये हमारा कन्फ्रंटेड। मोर ओवर, मोर ओवर। फार्मूला, फार्मूला। हैज़ टू बी रिमेंबर दैट द, हैज़ टू बी रिमेंबर दैट द। नियरली, ये हमारा नियरली। ए पोर्शनमेंट, ए पोर्शनमेंट, फिर से इसको बना लेते हैं। ये हमारा आएगा ए पोर्शनमेंट। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन आएगा इस तरह से, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है फॉर पर्पसेस, फॉर पर्पसेस। नेक्स्ट है हमारा हारमोनियस रिलेशन, हारमोनियस रिलेशंस, हारमोनियस रिलेशंस। नेक्स्ट हमारा लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स। ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस। नेक्स्ट हमारा पीनल, पीनल। ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, ब्रिंगिंग फॉरवर्ड। ये हमारा ब्रिंगिंग फॉरवर्ड। पॉइंट ऑफ व्यू, ये आएगा पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह से भी आप बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट हमारा रेडिकली, ये रेडिकली। फेडरल, ये नेक्स्ट हमारा फेडरल, ये फेडरल। यूनिटरी, यूनिटरी, यूनिटरी। इन्वॉल्व्ड, तो ये इन्वॉल्व्ड इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं इन्वॉल्व्ड।
प्राइवेट इंटरप्राइज, ये जो प्राइस है ये इंटरप्राइज को जो है वो शो करेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बिकरिंग, ग्रेट ब्रिटेन, अलॉटमेंट, दोनों को हमने हाफ बनाना है, अलॉटमेंट। सब्जेक्ट टू द, नेक्स्ट हमारा इन डिफरेंट कंट्रीज, इसको हम लिखेंगे इन डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट है हमारा वोट्स, वोटर आएगा हमारा इस तरह से वोटर, पोल्ड। नेक्स्ट हमारा कैंडिडेट्स, एन ओ टी दोनों को हमने हाफ बनाया, कैंडिडेट्स। रिक्रिमिनेशंस, ड्रास्टिकली। कर टेल्ड, सिर्फ एल को हमने हाफ किया। इनसल्यूबल, कम टू द कंक्लूजन, अगर होगा केम टू द कंक्लूजन तो इस तरह से आएगा केम टू द कंक्लूजन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दैट इज डन, ये हमारा दैट इज डन। इन द मैटर ऑफ द, उसके बाद नेक्स्ट हमारा दैट द ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हमारा इन दी डायरेक्शन ऑफ दी, इसको फिर से बना लेते हैं, ये हमारा इन दी डायरेक्शन ऑफ दी। नेक्स्ट है हमारा स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड को हम इस तरह से लिखेंगे, स्विट्ज़रलैंड हमारा इस तरह से स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट हमारा फ्रांस, तो फ्रांस को लिखेंगे हम इस तरह से फ्रांस। एक्सट्रीमली, इट इज़ क्लियर, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, इट इज़ क्लियर। इनटू कंसिडरेशन, एनालॉजी, वैलिडिटी, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट हमारा इलेक्शन पर्पसेस, एक्सपेरिमेंट, समरी, मैनिफेस्टोस, बाय देमसेल्स, स्ट्रेंथन द, ये कोड ऑफ डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नेक्स्ट हमारा वेरी गुड थिंग, इसको गुड को हमने हाफ किया, वेरी गुड थिंग। उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारा टू बी कंसीडर्ड, वेयर देयर आर। नेक्स्ट हमारा आई एम सॉरी
आई एम वेरी सॉरी हो गया ये, इसको हम लिखेंगे आई एम सॉरी टू से दैट दी, आई एम सॉरी टू से दैट दी। अगर हो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट दी तो हम लिखेंगे आई एम वेरी सॉरी टू से दैट दी। नेक्स्ट है वॉलंटरली, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ये है वॉल्यून, इसको हमने हाफ किया टेरिली, वॉल्यून टेरिली। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जो है वो लिख सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।